हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निशाज वर्ल्ड राइजिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना टेक केयर कर रहे होंगे। और हम लोग भी आप सब की दुआओं से और ऊपर वाले की कृपा से एकदम ठीक है। और यही चाहते हैं कि हम और आप एक दूसरे को दुआओं में याद रखें और ताकि हम सब ठीक रह सकें। मैंने पिछले अपने व्लॉग में राइस पेपर चिकन रोल बनाया था, डम्पलिंग बनाए थे, तो उसको मैंने आपको बताया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप मेरे चैनल पर भी जाकर उसके लिंक को चेक कर सकते हैं, उसकी रेसिपी को चेक कर सकते हैं। और आज मैं एक ऑथेंटिक वियतनामी रोल बनाने जा रही हूँ जो अपने में एक बहुत ही हेल्दी होते हैं। हमें कुछ भी पकाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल आपने सुना होगा कि एक दूसरे को सलाहें देते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप लोग वेजिटेबल कच्ची खाएं या सैलेड के लीव्स वगैरह खाएं। तो मैं उसी को लेकर जो मेरे घर में था वो मैं बना रही हूँ। और आप ध्यान से देखिए, जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, जो पीजीज में रहते हैं, जो अकेले रहते हैं लोग, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और हेल्दी भी होता है। यहाँ पर मैंने राइस पेपर लिया है जिसको मैं आपको बताऊंगी। ये लेटस है और यहाँ पर मैंने बेजल लीव्स लिए हैं जो कलरफुल हैं। ये मैंने एवोकाडो लिया है, ये एस्पेरेगस है और ये बेल पेपर है रेड वाला और ये कुकम्बर है। मेरे पास चार चीज़ें थी और ये मेरे पास लीव्स थे, तो मैंने इन्हीं को लेकर मैं बनाऊंगी और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी बन जाता है। सबसे पहले मैं इसके डिप तैयार करूंगी। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने 1 टेबलस्पून यहाँ पर पानी डाल दिया है और 1.5 टीस्पून मैंने शुगर भी डाली है और बहुत थोड़ी सी यहाँ पर हम डार्क सोया सॉस डालेंगे, यस, जस्ट फॉर कलर के लिए। और ये विनेगर है, फ्रेंड्स आप चाहें तो इसमें नींबू, ये 1 टेबलस्पून मैंने विनेगर डाल दिया। आप चाहें तो इसमें 1 लेमन भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक डलेगा और ये मैंने जो लाल मिर्च है उसको बहुत बारीक बारीक काटा है, क्योंकि यहाँ पर इन सब चीज़ों में ना तो नमक डलेगा और ना ही इसमें मिर्ची डलेगी। देखिए, हर वेजिटेबल में अपना एक नेचुरल सॉल्ट होता है, जैसे फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होती है, इसी तरह वेजिटेबल्स में भी होता है। और ये शीट है, ये भी सॉल्टी है, तो ये भी डाल देंगे हम इसमें और इसको मैं मिला के साइड में रख दूंगी। अब हम बनाना शुरू करेंगे रोल। इसको पानी में डाला, ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं कि पानी में डालकर हम इधर उधर अपना दूसरा काम कर रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद करेंगे, तो वो बहुत ही एकदम वो हो जाता है। इसको अच्छी तरीके से हमने डिप कर दिया, छोड़ना नहीं है, बस यहाँ पर हम डाल देंगे। सबसे पहले हम ये लगाएंगे, लेटस को सेट करेंगे, फिर कुकम्बर, फिर बेल पेपर, उसके बाद एस्पेरेगस और देन एवोकाडो। और थोड़े से ये पत्ते ऊपर से डाल देंगे। और देखिए, मैंने कुछ भी नमक वगैरह डाला नहीं है। यस, इसको कुछ भी हमने तलना नहीं है, बस ऐसे ही उठा के खाना है। आप इस बात से मतलब
ये देखिए इसमें कितना फ़ायदा है कि हम अलग से कोई सैलेड नहीं खा रहे हैं। अगर मुझे बोला जाए कि मैं बाउल भर के एक सैलेड खाऊं तो मैं नहीं खा पाती, पर इस तरीके से मैं खा लेती हूँ। इससे मुझे टेस्ट भी आता है और मुझे अच्छा भी लगता है। इसी के ऊपर हम सारी चीजें लगाते हैं। और बहुत जल्दी बन जाता है ये, क्योंकि कुछ कुक नहीं करना हमने इसको। इसी तरह से आपने काटना भी होगा। ये एकदम पकड़ लेता है, चिपक जाता है, पर एक के ऊपर एक कभी ना रखें। बहुत ही क्रंची इसमें टेस्ट आता है और आप ये समझ के खाइए कि बहुत हेल्दी है ये। अगर आपने खाने से पहले दो खा लिए तो आपको रोटी खाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आप सिर्फ दाल सब्जी खाएंगे। दो चार पत्ते इसके भी डाल दें, इस तरह आपकी रोटी भी स्किप हो जाएगी। थोड़ा दूर दूर रखिएगा, नहीं तो ये बहुत चिपक जाते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने तैयार किया है ऑथेंटिक वियतनामीज रोल, जिसमें कुछ भी कुक्ड चीज़ नहीं है, सब कुछ कच्चा है और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बस ये डिप बनाइए और इस डिप के साथ खाइए। मैं तो डिप भी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही उठाती हूँ और खाती हूँ। क्योंकि क्या इससे क्या होता है कि आपके अंदर कच्ची सब्जियाँ चली जाती हैं, सैलेड पत्ते वगैरह चले जाते हैं और थोड़ा सा अच्छा रहता है, हेल्थ और हेल्दी रहता है थोड़ा सा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो फ्रेंड इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पर मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस व्लॉग को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।